उत्तराखंड राज्य में जब भी कोई वैकेंसी आती है तो वहाँ पर अदर स्टेट का कोई भी बच्चा जो दूसरे स्टेट में रहता हो या उत्तराखंड का निवासी ना हो फॉर्म नहीं भर सकता। और अधिकतर वैकेंसियों में यही होता है, एक पीसीएस को छोड़ दिया जाए तो सभी वैकेंसियों में ये रूल अप्लाई होता है कि अदर स्टेट का बच्चा उत्तराखंड में फॉर्म नहीं भर सकता। आपके राज्य से जब कोई भी वैकेंसियाँ आती हैं तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि उत्तराखंड के जो बच्चे निवासी हैं उन्हें किसी दूसरे स्टेट के निवासी किसी भी बच्चे से कंपटीशन नहीं करना पड़ता और उनका कंपटीशन आसान हो जाता है। तो मैं आज उत्तराखंड में जो वैकेंसी फ़िलहाल आई हुई है और उसमें भी बहुत अच्छी वैकेंसी आई है अपर निजी सचिव की, आज मैं उसी पर चर्चा करूंगा। तो चलिए नमस्कार, मैं जयवीर यादव ठाकुर द्वारा से, स्टेनो नगरी ठाकुर द्वारा से, मैं आपका अपनी इस वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं उत्तराखंड अपर निजी सचिव के बारे में। उत्तराखंड अपर निजी सचिव की जो वैकेंसी आई है एपीएस की, एपीएस। अब इसमें बहुत सारे लोग जो उत्तराखंड के निवासी हैं, सबसे पहले तो मैं इसमें बता दूं कि इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, मूल निवासी वहां के हैं, अदर स्टेट के कोई हैं तो वो फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक। दूसरी बात, आप जब उत्तराखंड के मूल निवासी हैं तो आपको कंपटीशन बहुत कम है, 99 पोस्ट हैं अपर निजी सचिव की, और उसमें भी सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपका जो कंपटीशन है वो उत्तराखंड वालों से ही है, अदर स्टेट का बच्चा आपके यहाँ फॉर्म नहीं भर सकता। और उसमें भी बहुत अच्छी बात है कि इसमें शॉर्ट हैंड चाहिए। क्या चाहिए? शॉर्ट हैंड चाहिए। अब जिसने शॉर्ट हैंड, जिसको आती है वो इस फॉर्म को भर रहा है, और जिससे नहीं आती है वो संशय में है कि मैं फॉर्म भरूं कि ना भरूं। तो मैं आपको बता दूं, जो विद्यार्थी उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के अगर आप मूल निवासी हैं और शॉर्ट हैंड आपसे नहीं भी आती है तो मेरा आपसे तो कहना ये है कि आप इस फॉर्म को भरिए। आपसे थोड़ी बहुत शॉर्ट हैंड आती है तब तो आप बिल्कुल ही भरिए, और शॉर्ट हैंड अच्छी आती है तब तो आप चूकिए ही मत, आराम से भरिए इसको। और किसी से यदि शॉर्ट हैंड नहीं भी आती है और बहुत दिन हो गए हैं कंपटीशन की तैयारी करते हुए तो आप फिर इसमें अप्लाई कीजिए। अब अप्लाई क्यों कीजिए, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, सुन लीजिए क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको अप्लाई कीजिए। इस तरह की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में भी आई थी अभी फिलहाल में 2023 में, जिसका अभी जुलाई में ही शॉर्ट हैंड की परीक्षा हुई है और हमने भी तैयारी भी कराई थी उसकी, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो ये परीक्षा, ये विज्ञापन आया था उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में लगभग 350 का, 350 वैकेंसी के करीब आया था, और ये 2023 में वैकेंसी आई थी। इसमें अगर मैं शॉर्ट हैंड वालों को लूँ तो इतना फार्म कभी नहीं जाता। इसमें कम से कम 60% बच्चा वो था, 60% विद्यार्थी वो थे जिन्हें शॉर्ट हैंड बिल्कुल नहीं आती थी, बिल्कुल भी, लेकिन उन्होंने फिर भी इस फार्म को भरा। यूपी में, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जब अपर निजी सचिव की वैकेंसी आई तो इसमें बहुत सारे बच्चे, 60% बच्चे वो थे जिन जो शॉर्ट हैंड जानते ही नहीं थे। ठीक। उन लोगों ने फॉर्म भरा, क्यों भरा? क्योंकि वो जानते थे कि यदि परीक्षा आगे टल गई 6 महीने 7 महीने आराम से शॉर्ट हैंड कर लेंगे, और ऐसा ही हुआ। इसका जब रिजल्ट आया, फॉर्म भरा गया, फॉर्म भरने के बाद रिटिन का रिजल्ट आया, और उसके बाद इसकी 9, मुझे सही से ध्यान है तो अप्रैल, 9 अप्रैल इसकी पहली डेट थी शॉर्ट हैंड की, शॉर्ट हैंड की इसकी पहली डेट थी। उसके बाद फिर ये डेट बढ़ गई, उसके बाद बढ़ी तो ये 18 जून से शुरू हुई, 18 जून से पूरे 1 महीना ये शॉर्ट हैंड चली, पूरे 1 माह, 1 माह तक शॉर्ट हैंड चली, समथिंग 5,000 के आसपास बच्चे इसमें पास थे शॉर्ट हैंड के लिए। तो मतलब मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि उन्हें इतना समय मिल गया, जिन लोगों की शॉर्ट हैंड बिल्कुल नहीं थी उन्हें इतना समय मिल गया कि उन्होंने शॉर्ट हैंड को अपनी धार दे दी और वो जान गए शॉर्ट हैंड क्या है। अब जब आपके उत्तराखंड में ये वैकेंसी आई है, मैं पहले साफ कर दूं कि सिर्फ उत्तराखंड वाले फॉर्म भर सकते हैं, यूपी वाले या और किसी स्टेट के नहीं, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के। ठीक है। उत्तराखंड के विद्यार्थी एपीएस में ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें से भी बहुत बड़ा वर्ग वो है जो शॉर्ट हैंड नहीं जानता, आप जानते ही नहीं शॉर्ट हैंड क्या होती है,
तो उन लोगों से बता दूं, और बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की। तो देखिए क्या होता है, आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, नौकरी ऐसे नहीं मिलती। नौकरी कैसे मिलती है, रणनीति बनानी पड़ती है, कहाँ पर कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है। तो ये आपके लिए बड़ा रणनीतिक फॉर्म आपका आया है, इसमें आपकी रणनीति सफल होगी। इस फॉर्म को आप भरिए। हालांकि अगर ये वीडियो जो शॉर्ट हैंड सीखे हुए हैं पहले से बच्चे, वो इस वीडियो को देखेंगे तो अपने मन में बड़े हीन भावना मेरे प्रति लाएंगे कि पता नहीं क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। भैया आप बिल्कुल परेशान ना हो, जिसकी नौकरी लगनी है उसकी लगनी ही है, जो मेहनत करेगा लगेगी। 99 वैकेंसियां हैं आपके यहाँ। जो भी चाह रहे हैं कि शॉर्ट हैंड सीख ही जाए, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो लोग शॉर्ट हैंड से डर रहे हैं, हमारी इसी वीडियो में, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, आप लिंक पर जाइए। उस लिंक पर जाकर आप शॉर्ट हैंड से परिचित हो सकते हैं कि शॉर्ट हैंड क्या होती है, और आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी कठिन है और कितनी सरल है। आप इससे अंदाजा लगा दीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है अपनी शॉर्ट हैंड का, जो शॉर्ट हैंड बिल्कुल जीरो लेवल से, बर्नवाला से शॉर्ट हैंड पढ़ाई हुई है। उसमें जो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उससे आप जाइए, उसमें जाकर के आप एक बार शॉर्ट हैंड चेक कर लीजिए कि शॉर्ट हैंड होती क्या है, कैसी चीज़ है, क्या ये बहुत भारी है या बहुत हल्की है। तो आप इस, अगर आपको लगे कि हाँ मैं इसको 2 से 3 या 4 महीने में कवर कर लूंगा, देखिए आप, फिर मैं आपको बता दूं, आप ये मत सोचिए कि 3 ही महीने, आपकी जो संभावित डेट है उत्तराखंड APS की, वो अक्टूबर है। अक्टूबर संभावित डेट है ना, संभावित ही तो है, जरूरी थोड़ी आ जाए। वही यूपी का जो उदाहरण मैंने आपको दिया, वो इसीलिए दिया है कि पता नहीं डेट आगे बढ़ जाए। और फिर 3 परीक्षाएं हैं, पहले दिन आपकी 3 परीक्षाएं, पहले टाइप, उसके बाद कंप्यूटर, और उसके बाद शॉर्ट हैंड है। तो हो सकता है पहले दिन वो टाइप लेके छोड़ दें, फिर 10-15 दिन बाद कंप्यूटर लें, फिर कुछ दिन बाद शॉर्ट हैंड लें, तो ऐसे पूरा 1 महीना बीत जाएगा। या अक्टूबर में ना हो शॉर्ट हैंड, ये परीक्षा आपकी अक्टूबर में ना हो, कि नवंबर में पहुंच जाए, दिसंबर में पहुंच जाए, जनवरी में पहुंच जाए, सरकारी काम है, कुछ कहा नहीं जा सकता भैया। तो जो लोग, मेरा वीडियो बनाने का सीधा मोटिव ये था कि जो लोग अभी संशय में हैं कि फार्म भरें या ना भरें, है ना, तो वो लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि फार्म आप भरिए। और वर्णमाला वाला जो लिंक हम आपको दे रहे हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उससे जाकर के एक बार उन वीडियो को देख लो, और देख लो कि आप कितनी तैयारी कर सकते हो। और मेरी राय में तो अगर आपको, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये वर्णमाला वाली वीडियोस देखने के बाद अगर आपको लगे कि हम तैयारी कर सकते हैं, तो आप इस फार्म को जरूर भरिएगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन आपके यहाँ बहुत कम है, बहुत कम है। तो मैं तो आपसे बार बार कहूँगा कि आप लोग, और दूसरी बात, जब आप इस शॉर्ट हैंड को सीख, अब आप कहेंगे कि अगर मान लीजिए शॉर्ट हैंड हमें अच्छी लग गई और हम बहुत दूर से हैं, ठाकुरद्वारा नहीं आ सकते हैं, तो हमारे ऑनलाइन बैच चल रहे हैं, ऑनलाइन, और 2 बैच इस समय चल रहे हैं। एक तो सुबह 6 बजे चल रहा है, 6 से 8, ये डिक्टेशन वाला बैच है, ये डिक्टेशन वाला बैच है, ऑनलाइन बैच जो चल रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन। और एक है शाम को 6 बजे, ये 6 से 7:30 तक है, ये शाम को है, ये है आपका बेसिक बेसिक बैच है। लेकिन ये बेसिक बैच भी 25 जून से शुरू हुआ था, 25 जून से, तो ये बेसिक में भी काफी आगे निकल गया है उत्तराखंड वालों का ही, बेसिक में भी काफ़ी आगे निकल गया है। अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने आपको लिंक दे रहे हैं, हम उस लिंक को देख करके आपको लगे कि मैं शॉर्ट हैंड कवर कर सकता हूँ लेकिन पढ़ूँ कहाँ से, तो आप हमसे संपर्क करिए, हम ऑनलाइन आपको पढ़ाएंगे। ठीक, अब हम ये तो नहीं कह रहे कि साहब अक्टूबर में शॉर्ट हैंड हुई तो हम क्लियर करा देंगे, लेकिन यदि डेट बढ़ गई तो हम करा देंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश APS में भी, यूपी APS में हमने ऐसा ही बैच चलाया था, जो लोग पढ़े हैं वो जानते हैं, हमने ऐसा ही बैच चलाया था, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से चलाया था, और फिर समय इतना मिल गया और वो लोग आराम से शॉर्ट हैंड दे के आए हैं। पास होना फेल होना ये तो बात की बात है, लेकिन उन लोगों ने मेहनत की और वो डिक्टेशन दे के आए हैं APS में, उत्तर प्रदेश APS में। तो मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि यदि आपको शॉर्ट हैंड अच्छी लग रही है, आप देहरादून रहते हैं, अल्मोड़ा रहते हैं, या नैनीताल रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, या आप जॉब में हैं, प्राइवेट कोई जॉब कर रहे हैं, और आपका मन है कि मैं इस ये फार्म को डालना चाह रहा हूँ, तो आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं।
ऑनलाइन की खासियत मैं बता दूं, ऑनलाइन ऐसे नहीं पढ़ाते हम जैसे कि आप लाइव मतलब वीडियो देख रहे हैं, कोई बात पूछनी है तो आपको मैसेज करना टाइप करना पड़ रहा है, नहीं, हमारे यहाँ ऐप में माइक की व्यवस्था है। क्या की व्यवस्था है? माइक की। उस माइक में आप माइक को ऑन, जब आप हमसे लाइव जुड़े होते हैं हमारी ऐप में, जब आप लाइव जुड़े होते हैं तो आप माइक को ऑन करते हैं, सीधे बोल जाते हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन ऐप में हो जाती है। तो इसलिए ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में कोई अंतर नहीं है। आप लोग कहीं से भी हैं, आप ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, तो आप इस फॉर्म को भरिए, हमसे संपर्क कर लीजिए। संपर्क सूत्र हम आपको बता दें, संपर्क आप हमसे इस पे करेंगे, मैं मोबाइल नंबर आपको दे देता हूँ, और उसके बाद संपर्क करेंगे आप इस नंबर पे 7017242799, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर लेंगे, ठीक। हम आपको वीडियोस दे देंगे, वीडियोस नहीं, अब लाइव भी पढ़ा देंगे, जैसी डिमांड आएगी तो एक नया बैच और बना देंगे, दिन में बना देंगे, किसी भी समय, क्योंकि ऑनलाइन ही ज़्यादा हम पढ़ाते हैं, ऑफलाइन बहुत कम पढ़ाते हैं, ठीक। और जिन लोगों को भी चाहिए वो हमसे संपर्क कर लें, और मैं तो कामना करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग APS में सेलेक्ट हों, और बस यही जानकारी आपको देनी थी। आगे कोई जानकारी देनी होगी फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।